अक्षय कुमार इस समय बॉलीवुड के सबसे सफल अभिनेताओं में से एक हैं। हर साल अभिनेता कई हिट फिल्में करता है और आधा दर्जन फिल्मों पर काम करता है। अक्षय की 2022 की पहली फिल्म बच्चन पांडे अब प्रोडक्शन में है। उनका कहना है कि वो एक बजट और एक समय सीमा के भीतर फिल्में बनाते हैं। उनकी आने वाली फिल्मों में पृथ्वीराज, रक्षाबंधन, राम सेतु और ओएमजी 2 ओह माय गॉड शामिल हैं। उन्होंने अभी अभी राम सेतु खत्म किया है और अब बच्चन पांडे का प्रमोशन कर रहे हैं। उन्होंने एक साक्षात्कार में बताया कि मैं बजट हिट तो फिल्म हिट वाक्यांश का दृढ़ विश्वास रखता हूँ। मैंने कभी पैसा या समय बर्बाद नहीं किया है। मैं इसे अपने सह कलाकारों और क्रू के समय का सम्मान करने के लिए एक बिंदु बनाता हूँ। उन्होंने कहा, कोई फिल्म 45 से 50 दिनों से ज्यादा नहीं दे सकता है और अगर आप इस समय में फिल्म की शूटिंग करते हैं तो आपका बजट हमेशा नियंत्रण में रहेगा। मैं ऐसी फिल्म पर काम नहीं कर सकता जिसे बनाने में 100 दिन से ज्यादा का समय लगे। अक्षय कहते हैं, मैं खुद को एक कमरे में बंद करने वाला नहीं हूँ। अभिनय और घर चले जाओ। अक्षय कुमार की आखिरी फिल्म आनंद एल राय की अतरंगी रे में एक कैमियो थी। इसमें सारा अली खान और धनुष ने अभिनय किया और क्रिसमस पर डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज किया गया।